तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो युवा कबड्डी सीरीज का मानसून एडिशन का आज के दिन का तीसरा मैच और टूर्नामेंट का भाई 72वां मैच जो कि खेला जाएगा काजीरंगा रिनोज वर्सेज पंचाला प्राइड्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी कि पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लेना है और भाई वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी पार्ट आप स्किप ना कर पाओ और भाई आपका मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप ले सको। और भाई देखिए सीधी सी बात है, इन मैचेज में आप ग्रैंड लीग पर टारगेट कीजिएगा क्योंकि भाई आज बूस्टर राउंड का लास्ट मैच है, ठीक है, मतलब लास्ट डे है और आज ये जो भी मैच हो रहे हैं इसके बाद भाई कल के दिन का रेस्ट है, परसों से भाई चैलेंजर राउंड स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वहां पर भाई क्या है कि टीम पूरी सीरियसनेस से और पूरी स्ट्रेंथ से खेलेंगी, लेकिन अभी क्या है कि टीम अपने बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करने की सोच रही है और भाई उन्हीं को मौका ज्यादा से ज्यादा देने की सोच रही है सारी टीमें। तो हो सकता है इस मैच का ज्यादा महत्व ना हो और यहाँ पर भाई आपको मतलब मेन प्लेयर जिन्हें हम लेके जाएं उन्हें खेलने का मतलब इतना ज़्यादा आगे आने का मौका ना दिया जाए जितना भाई जो बेंच पर बैठे प्लेयर्स हैं उनको दिया जाए, तो ठीक है वहाँ पर क्या हो सकता है हमारा नुकसान हो सकता है, लेकिन भाई नए प्लेयर्स जो खेल रहे हैं ना उनको आप सीवीसी ट्राई कर करके जीएल खेलना। और नए प्लेयर्स कौन कौन से खेलेंगे ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा भाई आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर भाई जैसे ही लाइनअप्स आउट होती है मैं दोनों टीम्स की स्टार्टिंग सेवन बता देता हूँ आपको कि क्या तो स्टार्टिंग सेवन है और कौन से भाई सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स भी आपको दिखेंगे इस मैच में। पाँच पाँच प्लेयर दोनों टीम्स के जो जो सब्स्टिट्यूट होते हैं वो भी आपको बताता हूं पूरे टेलीग्राम पर, ये चीजें आपको कोई नहीं बता रहा भाई, आप आकर ज्वाइन कीजिए, टीम भी आपको देता हूं सारी अपडेट आपका भाई आपको प्रोवाइड करवाता है। बस आपसे एक सपोर्ट की उम्मीद करता हूं कि वीडियो को टाइम से लाइक कर दिया करो और भाई चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दिया करो। और भाई क्योंकि देखिए अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना तो इसमें दोनों को फायदा है, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, और आपको वीडियोज मिलेंगी, तो दोनों का फायदा है, तो सब्सक्राइब कर दिया करो। और लाइक यार एक बॉन्डिंग वाली बात है, देखिए लाइक से ना मेरे को पैसे मिलते ना आपकी जेब से पैसे जाते ना मतलब आपका टाइम वेस्ट होता। आप अभी मेरी बातें सुन रहे हो ना, सुनते सुनते लाइक वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, मजा आ जाएगा, ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा कि यार बंदा मेहनत कर रहा है तो उसके लिए हम लाइक कर रहे हैं और मेरे को तो लगेगा कि यार मैं मेहनत जिन भाइयों के लिए कर रहा हूँ वो भाई मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब चलिए भाई बढ़ते मैच की तरफ, यहाँ पर भाई एक एक प्लेयर के बारे में जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई यहाँ पर चलते हैं दोनों टीम्स की पहले भाई स्टार्टिंग सेवन वगैरह तो मैं आज बताऊंगा नहीं क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग मैच है। और भाई अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं अगर इस वीडियो पर आप 100 लाइक का टारगेट कंप्लीट करते हो जो बहुत छोटी बात है, मान लीजिए कि मेरी वीडियो पर 500 व्यूज आए, 500 में से सिर्फ 100 बंदों को लाइक वाले बटन को दबाना है जो अभी मेरी बात सुनते सुनते भी दबा सकते हो, तो भाई आपको 4 स्पेशल ग्रैंड लीग की टीम दूंगा, साथ ही स्मॉल लीग की भी टीम दूंगा, लेकिन मैं जीएल में इन्वेस्ट करने के लिए बोलूंगा आज। बट 100 लाइक का टारगेट पूरा होना चाहिए, अदरवाइज भाई आप अपनी टीम खुद से बनाओगे वीडियो की इंफॉर्मेशन से। अब चलिए भाई बढ़ते हैं आगे प्लेयर्स की तरफ, यहां पर भाई मैं प्लेयर्स का सिलेक्शन भी करता चलूंगा और आपको बताता भी चलूंगा कि भाई कौन सा प्लेयर जीएल में लेना और कौन सा प्लेयर स्मॉल लीग में, ठीक है। अब यहां पर देखिए निशांत की बात करें तो भाई लास्ट काफी मैच से खराब परफॉर्मेंस है और भाई हो सकता है सामने वाली टीम के जो रेडर्स है वो इनएक्सपीरियंस रेडर्स आज खेले, तो भाई उस चक्कर में अगर ऐसा होता है तो भाई निशांत आपके लिए ग्रैंड लीग की बेहतरीन पिक हो जाएगा, इवन कैप्टनसी भी आप दे सकते हो जीएल में। वहीं अगर बात करें अंकित सिंह की तो भाई अगेन एक बहुत ही शानदार प्लेयर है, लास्ट के 2 मैचेज में अच्छी परफॉर्मेंस है, लास्ट के 2 क्या भाई 3 मैचेज में अच्छी परफॉर्मेंस है, बीच में फॉर्म डिप हुई थी उससे पहले भी भाई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो दोनों प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो अंकित सिंह इसको आप स्मॉल लीग में भी लेकर चल सकते हो और निशांत को आप जीएल में जरूर ट्राई कीजिएगा, जीएल में भाई कैप्टन कीजिएगा। देखिए सोच के देखिए 20% मान लो इसका सिलेक्शन है और ये हमारा कैप्टन सक्सेसफुली सबसे ज्यादा पॉइंट दे जाता है तो भाई आप सोचो मतलब कोई आपके आसपास आ पाएगा, मतलब चांस नहीं है भाई, तो ये चीज समझो। वहीं अगर बात करें भाई स्मॉल लीग के लिए आप योगेश दहिया, आर काली रावना और जो अंकित सिंह है इनको अभी के लिए अपनी टीम में रखिएगा, बाकी फाइनल टीम जो भी हमारी रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा। बात करें राहुल काली रावना की तो भाई बहुत ही शानदार प्लेयर है, बहुत ही ज्यादा शानदार प्लेयर है, परफॉर्मेंस देखते जाइए, बीच में एक मैच खराब, उसके अलावा भाई यहाँ पर देखिए और ये भी खराब क्या भाई, प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर दिया था, अदरवाइज भाई प्लेयर की मतलब परफॉर्मेंस देखिए यार, कहीं पर भी आपको परफॉर्मेंस डाउन दिखे तो बोलना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है और टूर्नामेंट का सबसे सफल डिफेंडर है काजीरंगा रिनोज की टीम में पूरे टूर्नामेंट का, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि भाई परफॉर्मेंस किस लेवल की दे रहा है बंदा। इसके अलावा योगेश दहिया इनका बेहतरीन साथ दे रहे हैं, ये भी भाई लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिन मैच में थोड़े से कम पॉइंट होते हैं राहुल काली रावना के वहीं पे भाई योगेश दहिया अपना कमाल बिखेर जाते हैं, तो आप इन्हें ट्राई कीजिएगा। और देखिए एक काम आप कर सकते हो, इन दोनों को अलग अलग टीम में रखिएगा, एक एक टीम में तो दोनों को रखो, सीवीसी कर दो,
और बाकी जो एक टीम दो टीम है उनमें क्या करो, एक में काली रावना को रखो, इसको वीसी या कैप्टन करके चलो, एक में काली रावना को ड्रॉप करो, योगेश दहिया को रखो, इसको सीवीसी करके चलो, ठीक है। तो ये आप करके चल सकते हो। इसके अलावा भाई अगर बात करें यहाँ से स्मॉल लीग की, तो ऑलराउंडर सेक्शन है भाई, अरमान आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और मस्ट पिक रहेगा, इवन भाई कैप्टनसी का भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। सेम भाई एस कुमार के लिए बोलूंगा, बेहतरीन प्लेयर है, स्मॉल लीग में आप ट्राई कर सकते हो, बट थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि भाई क्रेडिट भी एक तो हमारे ज़्यादा लेगा और वहाँ से भाई फिर इतना मतलब चांसेस भी मेरे को कमी लग रहे हैं कि पंजाला प्राइड इस मैच में ज़्यादा कुछ कर पाएगी, मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पर भाई काजीरंगा रिनोज करेगी। तो उस कंडीशन में अगर ए धून खेलता है तो भाई बहुत ही शानदार प्लेयर है, बहुत ही शानदार प्लेयर है, जरूर से अपनी टीम में रखेगा। इसके अलावा जी दहिया को भी आप ट्राई कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं ए धून को अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ, फाइनल टीम में हो सकता है कुछ बड़े चेंजेस मैं करता दिखूँ। पी राज की बात करें तो अगर खेल लेना भाई ग्रैंड लीग में जरूर कैप्टन कीजिएगा, मतलब एक तो इसको बहुत कम लोग लेके आएंगे क्योंकि भाई सिलेक्शन किसका करेंगे बंदे, यहाँ पर आप देखिए जो 16% सिलेक्शन है जिस बंदे का, उस सॉरी भाई जिसका मतलब 16 क्रेडिट में जो मिल रहा है उसका भाई सिलेक्शन कैसे करेंगे ये बंदे, इसीलिए इनका सिलेक्शन इतना कम है। यहाँ पर बात करें तो ए राणा हमारे लिए मस्ट पिक रहेगा, और दूसरी जो मस्ट पिक था वो था एस मलिक, बट क्रेडिट इश्यू की वजह से नहीं ले पा रहे हैं, तो अब हमें करना क्या होगा, ठीक है। क्रेडिट अगर आपको मैनेज करने हैं तो छोटा सा रिस्क लेकर देख लेते हैं भाई, यहाँ पर अरमान के ऊपर रिस्क लेते हैं और यहाँ पर भाई एस कुमार को टीम में लेते हैं और यहाँ से भाई एस मलिक को अपने टीम में ले लेते हैं, तो टीम हमारी ऑलमोस्ट हो गई फाइनल। यहाँ पर भाई दो प्लेयर हमने लिए पंजाला प्राइड के, पांच प्लेयर हमने लिए भाई यहाँ पर जो काजीरंगा रिनोज है इनके, फाइनल टीम हमारी जो भी रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा। अब रेडिंग में आपके लिए डिफरेंशियल पिक कौन रहेंगे जिन्हें आप ग्रैंड लीग में ट्राई करोगे उनके बारे में बात करते हैं। ऊपर से प्रिंस राज की तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी, ठीक है। इसके अलावा भाई पी धनकर जिस मैच में बंदा चलता है ना बेहतरीन चलता है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी देखिए जिस मैच में चलता है उसमें बेहतरीन चलता है, 4% सिलेक्शन था बंदे का, और आप पॉइंट्स देखिए, मतलब 6% सिलेक्शन था बंदे का, आप पॉइंट्स देखिए, 15% सिलेक्शन था बंदे का, आप पॉइंट्स देखिए। ये ग्रैंड लीग के लिए मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि स्मॉल लीग में लेके भाग गए इसको, ऐसा नहीं करना भाई। सेम अगर बात करें नीचे वी कुमार की, लास्ट काफ़ी मैच से बुरे फॉर्म में चल रहे लेकिन स्टार्टिंग में ठीक ठाक फॉर्म में था, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। जीएल मिनी जीएल की एक आध टीम में ट्राई करना ही नहीं, कैप्टन वीसी नहीं बता रहा मैं आपको, कैप्टन वीसी मत बनाना। और हाँ, ग्रैंड लीग में आपको ऑलराउंडर हर टीम में रोटेट करने, अगर आप 20 टीम बना रहे हो तो 20 टीम में भाई आपको ऑलराउंडर रोटेट करने, जैसे एक में आपने अरमान को ले लिया और यहाँ से ए धून को ले लिया अगर ये खेल रहा है तो, ठीक है, और या फिर सब्स्टिट्यूट लिस्ट में तो भी, ठीक है। एक में आपने क्या किया अरमान के साथ इसको ले लिया, एक में अरमान के साथ इसको ले लिया, दूसरे उसके बाद क्या करो भाई अरमान को ड्रॉप करो, मतलब अरमान को छोड़ो और एस कुमार को पकड़ो, एस कुमार के साथ भाई अरमान को तो हमने ले ही लिया था, अब अरमान को ड्रॉप कर दो और एस कुमार के साथ भाई इन दोनों को ले लो, ठीक है। नीचे आ जाओ भाई यहाँ पर जी दहिया के साथ, तो जी दहिया के साथ भाई इन दोनों को ले लो, इसको तो हमने ले लिया और इसने भी भाई इसको ले लिया, तो फिर भाई इसको ले लो, तो ये कर सकते हो भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देकर जाने वाली है, ठीक है। अभी अगर बात करें स्मॉल लीग की टीम की, तो यहाँ से देखिए अरमान हमारी टीम में नहीं रहेंगे क्योंकि फिर हमारे यहाँ पर भाई रेडर हम ट्राई नहीं कर पाएंगे, और अगर आप रिस्क ले सकते हो राणा के ऊपर क्योंकि भाई ये बंदा जिस दिन फ्लॉप होता है ना उस दिन बहुत गंदा फ्लॉप होता है, यहाँ पर आप देखिए फ्लॉप जिस दिन होता है ना उस दिन भाई बहुत ही गंदा फ्लॉप होता है, तो अगर ये चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हो तो भाई आप इसको ड्रॉप कीजिए और फिर भाई अरमान को लीजिए। अरमान मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतरीन पिक नज़र आ रहा है मेरे को अगर कंपेयर करेंगे एराना से, हालांकि लास्ट मैच में एराना की परफॉर्मेंस अच्छी है, लास्ट तीन मैच में बेहतरीन है, उससे पहले भी अच्छी है, बीच में दो तीन मैच खराब आए थे, बट वही बात है भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन का फ़र्क रहेगा, आप अगर कर सकते हो मैनेज तो आप कर लीजिएगा। और तीसरा प्लेयर अगर आप चौथा प्लेयर भाई अगर आप यहाँ से डिफेंडिंग सेक्शन से लेना चाहो तो भाई डी रेडू, सॉरी भाई डी रेडू को भाई मैं भूल गया था, माई मिस्टेक, मैं सुधार रहा हूँ, ठीक है। 100% हमारी टीम में रहेगा, तीन मैच खेले बंदे ने, दो मैच में जैकपॉट परफॉर्मेंस है, इससे ज़्यादा और क्या ही करेगा, तो डी रेडू हमारी टीम में रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 101%, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ से भाई क्रेडिट मैनेज करने के लिए एस कुमार की जगह पर भी आप यहाँ से ए राणा को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारी टीम मेरे को और भी ज़्यादा मतलब बेहतरीन नज़र आ रही है, तो आप इस टीम के साथ भी जा सकते हो। टीम के अगर प्रिव्यू की बात करें तो आपके सामने है, अब सीवीसी की और बात कर लेते भाई लगे हाथ, तो कैप्टनसी है वो भाई यहाँ से मैं अरमान को देख के जाने वाला हूँ और वीसी भाई मार काली रावना को दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो आप यहाँ से ए राणा को भी अपनी टीम में सीवीसी रख सकते हो, सीवीसी इन दोनों को भी रख सकते हो, या फिर ए राणा और काली रावना को रख सकते हो, तो ये चीज़ आप मैनेज कर सकते हो। जीएल में आपको सीवीसी को कॉम्बिनेशन बताऊँ, अरमान के साथ भाई ए राणा को ट्राई कीजिए,
दैया को ट्राई कीजिए, काली रावना को ट्राई कीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई एराना के साथ। एराना के साथ अरमान हमारा ट्राई हो ही गया, तो काली रावना को ट्राई कर लीजिए, यहाँ पर दैया को मत ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी में परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रहती है। दैया के साथ आप किसको ट्राई कीजिए, दैया के साथ आप मलिक को ट्राई कीजिए और एराना को ट्राई कर सकते हो आप करना चाहो तो, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और जो एस मलिक है इसके साथ भाई आप काली रावना को जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये जीएल के लिए मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं। बाकी अगर 100 लाइक का टारगेट है, छोटा सा टारगेट रखा, मैं तो टारगेट भी नहीं बोलूंगा इसे, क्योंकि मान लीजिए कि अगर 200 व्यूज भी आते हैं मान लीजिए मेरी वीडियो पर, बाकी आप लोगों की प्यार से इतना कम नहीं होता, मतलब 500-600 व्यूज आ जाते हैं, तो अगर एवरेज व्यूज जो जिस हिसाब से आ रहे हैं, अगर उसमें से भाई सिर्फ 20% लोग भी लाइक करेंगे ना, तो 100 लाइक तो हो गए भाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और भाई लाइक करने से देखिए आपकी जेब से पैसा नहीं जाएगा, ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा, बस मोटिवेशन वाली बात है, कर दीजिएगा यार 100 लाइक का टारगेट पूरा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। टीम को आप सेव करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, जीएल की टीम खुद से बनाने की कोशिश करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी 4 टीम मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।